चलिए आज न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है और साथ ही साथ जानेंगे कि न्यूट्रिशन कितने चरणों में, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखा गया है, एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू प्रोवाइड एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसके बाद हम न्यूट्रिशन के टाइप्स देखेंगे, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मेनली न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो प्रकार का है मुख्य रूप से, एक को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरे को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड बाय इट्स सेल्फ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, इनको आप देख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसमें जीव अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उसे उस प्रकार के पोषण को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे ऑटोट्रॉप के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है। चलिए इसके आगे चलते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर दिया गया है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव एनर्जी फ्रॉम द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहने का तात्पर्य यह है कि ऑटोट्रॉप्स जो बनाते हैं, ऐसे ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जो ग्रहण करते हैं, क्योंकि अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते, इसलिए ऑटोट्रॉप्स पर ही निर्भर होते हैं। तो जो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा बनाए गए उत्पादों को ग्रहण करते हैं या ऑटोट्रॉप्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है और पोषण की इस प्रक्रिया को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। देखिए दूसरी लाइन में यहाँ लिखा गया है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई इट्स सेल्फ आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। और जिस प्रोसेस के अंतर्गत वो ग्रहण करते हैं उस प्रोसेस को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। आगे चलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कई प्रकार का होता है, तो सभी प्रकार के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं बारी बारी से। इसमें पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें कोई भी जीव डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करता है, डेफिनेशन भी इसमें लिखी गई है। द न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स ओन फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इसमें फंजाई और कुछ बैक्टीरिया भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल आप देख लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में इसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, जीव के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल भी आपका दिया गया है, प्लाज्मोडियम, टिक्स, लाइस, लीचेस, टैपवर्म्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन यहाँ पर देखिए लिखा गया है, द न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज इंजेस्टेड बाई ऑर्गेनिज्म एंड फर्दर द फूड अंडरगोज फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन एंड फाइनली इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ह्यूमन, बियर, कैट, डॉग और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कहने का मतलब, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन का सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अपचय
अपशिष्ट या अपचित पदार्थों का बहिक्षेपण कर दिया जाता है। इस प्रकार के पोषण को होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में सहजीवी पोषण के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं भोजन और आवास के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म्स फॉर देयर शेल्टर एंड नरिशमेंट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी गई है यहाँ पर, आप देखेंगे। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन विच दे शेयर देयर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन चाहेंगे तो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कितने प्रकार से होता है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स के आधार पर यहाँ पर न्यूट्रिशन देखिए लिखा गया है तीन प्रकार का। सबसे पहले देखते हैं हर्बीवोर्स, दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो पौधों को या पौधों के द्वारा प्राप्त होने वाले उत्पादों को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है कार्निवोर, दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है, आप इनको लिख लेंगे। लास्ट है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स में देखिए दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। इसमें भी एग्जाम्पल आपका दिया गया है, मतलब जो पौधों को और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं उन्हें ओमनीवोर्स के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे कुछ टेबल बना करके और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, अपने भोजन ग्रहण करने के आधार पर, भोजन प्राप्त या आदतों के आधार पर कितने प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर टेबल बना करके कुछ जीवों को दिखाया गया है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद फीड ऑन मतलब वो किस प्रकार के जीव को खाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल भी दिया गया है उन ऑर्गेनिज्म्स का। तो यहाँ पर बारी बारी से देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहला है हर्बीवोर। हर्बीवोर प्लांट्स को खाते हैं यहाँ पर लिखा गया है, और एग्जाम्पल में आपका दिया है रैबिट एंड काऊ। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा आपका है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स किसको खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, एग्जाम्पल भी आपका दिया गया लायन एंड टाइगर। तीसरा है ओमनीवोर। ओमनीवोर किसको खाते हैं, बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, यहाँ पर कॉकरोच एंड मैन एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर अगला है इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर में ये ऑर्गेनिज्म किसको खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है फ्रॉग एंड वॉल लिजार्ड, मतलब घरों की दीवारों पर पाई जाने वाली जो छिपकलियाँ हैं वो है। अगला है फ्रुगीवोर्स। फ्रुगीवोर्स ये किस चीज़ को खाते हैं, ये फ्रूट्स को खाते हैं, एग्जाम्पल में दिया गया बर्ड्स एंड बैट्स। अगला है डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स ये किस पर आश्रित रहते हैं, किस चीज़ को खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉयल, और इसमें एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अगला है सांगीवोर्स। सांगीवोर्स ये क्या करते हैं, ये ब्लड सक करते हैं, एग्जाम्पल में है लीच एंड फीमेल मॉस्किटो। अगला है कैनिबल्स। कैनिबल्स ये क्या करते हैं, ये ओन स्पीसीज अपनी ही जाति को खा जाते हैं, एग्जाम्पल है आपका स्नैक्स एंड स्कॉर्पियन। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्लूड फीडर्स। फ्लूड फीडर्स देखिए ये क्या करते हैं, प्लांट्स के फ्लूड को ग्रहण करते हैं, इसमें बटरफ्लाइज और मेल मॉस्किटो आता है, पौधे का रस या पौधे के फूलों का रस चूसते हैं। अगला है सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक में क्या है, ये डिकेइंग एनिमल्स हैं, एग्जाम्पल में हाउस फ्लाई एंड स्पाइडर। अगला है सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक, ये डिकेइंग प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल में है फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के
ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स के आधार पर यहाँ पर बताए गए, उनके प्रकार आपको दिखाए गए, वो किस चीज़ को ग्रहण करते हैं उसके बारे में भी आपको बताया गया और कुछ एग्जांपल भी आपको बताया गया। इसको आप नोट में लिख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रिशन के पांच स्टेप्स हैं और इन पांच स्टेप्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। तो ज़रा इन पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, भोज्य पदार्थ को मुंह में ग्रहण किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड बाय एनिमल्स इज कॉल्ड इंजेशन। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन में भोजन में उपस्थित जटिलतम कार्बनिक पदार्थों को सरलतम कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, द प्रोसेस इन विच द पॉलीमर्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इन टू देयर मोनोमर्स विथ द हेल्प ऑफ वाटर एंड एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन। इसमें पाचन के फलस्वरूप जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका आंत की दीवारों में उपस्थित माइक्रोविलाई के माध्यम से अवशोषण होता है। तो देखिए आगे लिखा है इसमें क्या, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू इंटेस्टाइनल वाल इन टू ब्लड एंड लिम्फ थ्रू इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब इसमें पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। और नेक्स्ट है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो पोषक पदार्थ अवशोषित हुए हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है या और भी अन्य कार्यों में यूज़ होता है, बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर देखिए एसिमिलेशन में लिखा है, थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाई बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और लास्ट है आपका इजेशन। इजेशन के बारे में देख लेते हैं, पाचन के फलस्वरूप जो पोषक पदार्थ थे वो तो अवशोषित हो गए थे, लेकिन जो अवशिष्ट पदार्थ थे वो अवशोषित नहीं हुए, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को इजेशन के नाम से जाना जाता है। जरा इजेशन के बारे में जो लिखा है उसको देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। आर करके भी लिखा है, द पोर्सन ऑफ फूड इन विच अनडाइजेस्टेड एंड नॉट एसिमिलेटेड आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इजेशन। मतलब जो अपचित भोजन है, जो अवशोषित नहीं हुआ है, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को इजेशन के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा सिंगल सेल में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सिंगल सेल यानी यहाँ पर एक एग्जांपल समझ सकते हैं अमीबा। तो यहाँ पर देखिए, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन बाय द इंटायर सरफेस। जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो सरफेस के माध्यम से, वो ऊपरी सतह के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। व्हेन द फूड एंटर्स इन द बॉडी, जब भोजन शरीर में एंटर करता है, इट इज़ इनक्लोज्ड बाई सेल सरफेस फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। वह भोजन सेल सरफेस के द्वारा घिरा होता है और फूड वैक्यूल के रूप में उपस्थित होता है। इनसाइड फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। जो जटिलतम पदार्थ हैं उनको सरलतम पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। विच देन फ्यूज इनटू साइटोप्लाज्मिक एसिमिलेशन, जो लास्ट में डिफ्यूज कर जाते हैं, पूरे शरीर में समान रूप से वितरित हो जाते हैं और उनका एसिमिलेशन हो जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू सरफेस, और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सरफेस की ओर चला जाता है, सेल सरफेस की ओर, एंड थ्रोन आउट, और शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की बात हो गई, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हो गया, और साथ ही टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी हो गया। इन सब का आप नोट्स बना लेंगे और इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे।